हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर फाइव आई हम स्टार्ट करेंगे फोर हम लोग पढ़ यस प्लीज शेयर कीजिए हम्म तो चैप्टर पांच नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद के विषय में आदेश बहुत सुंदर उपाख्यान है बहुत सुंदर चैप्टर है बहुत सारे टीचिंग्स हम लोगों को मिलेंगे पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। सूत उच अथ तम सुखमासी उपासीन बृहश्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि विना पानी स्मय कौन पढ़ेगा हरे कृष्ण प्रभु जी सूत गोस्वामी ने कहा इस तरह सुख देव ऋषि नारद पूर्वक बैठ गए और मुस्कुराए हुए को संबोधित किया तात्पर्य नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास वेद व्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे जैसे कि व्यासदेव आगे बताएंगे उनका असंतोष भक्तियों की सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था नारद को यह ज्ञात थी कि और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई हरे या एक मिनट तो जब ये व्यासदेव ने नारद मुनि से सब कहा और बहुत कंटेम्परेट किया चिंतन मनन किया कि मेरे जो दुख का कारण क्या है तो फिर सुत स्वामी ऋषि को बताने लगे कि देवर्षि नारद मुनि सुखपुर बैठ गए और मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि को कहा तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जब गुरु के सामने कोई शिष्य अपनी अज्ञानता को प्रकट करते हैं और जब वो तो गुरु मुस्कुराते हैं क्यों समझते रहे छोटी सी बात को जो है वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है उनका शिष्य तो उनको समझाने के लिए जो है वो यहां पर मुस्कुरा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे ये आगे बताएंगे कि क्या स्मॉल मिस्टेक कारण जो है क्यों वो दुखी थे या डिप्रेस थे ठीक है नेक्स्ट नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा यस पढ़िए हरे कृष्णा हाँ पढ़िए व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो तत नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था महान पिता के वंशज होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था संभवतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात को, प्राप्त ना हो जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है हरे कृष्ण हाँ तो यहाँ पर व्यासदेव को पराशर पुत्र के रूप बताया गया है और वो बता रहे हैं क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो क्यों ऐसा वो कह रहे हैं क्योंकि जितने भी चीजें व्यासदेव ने बताई थी वेदों में तो वो मेनली जो है मन और शरीर को केंद्र में रख करके वो बता रहे थे कि जितने वेद में जो बताया गया उसका लक्ष्य क्या था कि शरीर कैसे सुख रहे शरीर कैसे बलवान रहे उसके बारे में ज्यादा ज्ञान था और बाकी मन के बारे में लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान बहुत कम था था लेकिन

उसका असली पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा तो ये बात जो तो है ना व्यासदेव को पूछ रहे हैं नारद मुनि नेक्स्ट या सॉरी मेरा नेट चला गया था सो so, थर्ड लोक है जिग्यासितम सु पीते महत्वतम कृतवान भारतम यस्तम सर्वारथा परिब्रिम्हितम पढ़िए शादी किसका हो जी हाँ आपकी जिग्यासा है पूर्ण है और आपका अध्ययन भी अच्छा अच्छी तरह से पूरा हो चुका है इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार से वैदिक फलों पुरुषार्थी से युक्त है निश्चित रूप से श्री व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है समन्वित है यस <coughs> टेक्स्ट yes. 4 जिज्ञासितं अथितं च ब्रह्म यतत तथापि सोच्यस्य आत्मनाम कृतार्थ इव प्रभो कठिन माताजी पढ़िए uh. आपके निराकार ब्रह्म विषय विशे, विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है तात्पर्य स्वामी श्रील प्रपात वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्रीला व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्मा की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है इसमें शाश्वत के विषय को अच्छे से समझाया गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पंडित्यपूर्ण है अतः एक श्रीला व्यासदेव के दिव्य पंडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए तो निराकार ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान लासदेव को था नेक्स्ट व्यास उच असत्यवेदात्मा परितुष्य में तूल व्यक्तम गाध बोधम पृछ्या महे तात्म भावात्म भूत पढ़ी नेक्स्ट कोई और हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी पढ़िए हां ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी श्री हाँ, व्यास देव हां अपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं अतः मैं अपने आपसे अपस, अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ क्योंकि आप स्वयं बिना भौतिक माता-पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा की साथ करता है इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण का सदा ही पता नहीं चल पाता भले ही कोई बौद्धिक ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुषों के पास पहुंचना अच्छा रहता है नारद के पास क्यों जाया जाए इसकी व्याख्या आगे की गई है आ, तो, एक बार अनुवाद दिखाइए तो व्यासदर ने कहा कि हे नारद मुनि आपने जो भी मेरे विषय में कहा है वो सब सही है बट इस सबके बारे में नहीं हूँ क्या क्या सही है मैंने महाभारत की रचना करी मुझे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है क्यों क्योंकि आप स्वयंभू हो और आप अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हो तो जब हमारे मन में डाउट आए कोई संशय आए तो हमें अगर आप एक मूर्ख व्यक्ति के पास जाके पूछोगे तो वो आपके आ, कुछ भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा वी हैव टू गो टू अड सोल तो भगवान गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्ना से उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञानी दर्शिना जिसने तत्व को देखा है जो सच्चाई को जानता है ऐसे तत्वदर्शिना ही जो है वो आपको आपके सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ज्ञानी नत्व दर्शिना जो वास्तव में ज्ञानी है अभी संसार में लोग बहुत सारी समस्या को झेलते हैं बट क्योंकि उनको कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है इसीलिए उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है वो एक सॉल्यूशन के बाद दूसरे के बाद दूसरे बाद भाग रहे बट वो दे नेवर बी सेटिस्फाइड व्हाई बिकॉज़ दे आर नॉट अप्रोचिंग द राइट पर्सन वो सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहे हैं इसीलिए क्या है उनको जो है आ, सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण वो भटक रहे हैं इसीलिए एक कृष्ण भावनामृत भक्त का होना बहुत जरूरी है तो जो कृष्ण भक्त होता है वो वास्तव में जानता है कि मूल समस्या क्या है तो इस संसार में जितनी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे आज परम पूज्य वनमाली महाराज क्लास दे रहे थे मॉर्निंग में तो बता रहे थे वो कि जैसे आज दुनिया वेलेंटाइंस डे मना रही है तो लेकिन आज वेलेंटाइंस डे के बाद क्या होगा बहुत सारे बलात्कार होते हैं बहुत सारे लोग एबोर्शन करते हैं और बहुत सारी गंदगी फैल जाती है समाज में तो पता इसका मूल कारण क्या है वो बता दे अविद्या लोगों को ज्ञान नहीं है शरीर को भोगने का प्रयास करें। पहला दूसरा कि बहुत अच्छी बात बता दे कि अगर आप बच्चों की विवाह जैसे हमारे समाज में वैदिक समाज में बाल विवाह की प्रथा थी तो ये बाल विवाह जो है ये कोई ऐसी सो, सोशियल इनजस्टिस नहीं है या कोई एक आ, समाज में एक प्रकार का शोषण नहीं है बच्चों के साथ ये बहुत ही साइंटिफिक है क्यों क्योंकि जब एक व्यक्ति एक उम्र के बाद स्त्री पुरुष में भेद उत्पन्न हो जाता है और शरीर में जो कुछ प्रकार के रसायन कुछ प्रकार के हॉर्मोन ग्रो करते हैं तो स्वाभाविक एक व्यक्ति को दूसरे जो पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षण होगा पुरुष को स्त्री के प्रति स्त्री को पुरुष के प्रति यह आकर्षण स्वाभाविक है तो अगर इस आकर्षण को ठीक से चैनलाइज नहीं किया गया तो ये सब प्रकार की समस्या आएगी जो शोषण करना बलात्कार करना और ये सब चीजें प्रॉब्लम आएगी क्यों क्योंकि उसके जो स्वाभाविक जो आकर्षण है या जो एक फोर्स है उसके अंदर उसको जो है ठीक तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया तो इसीलिए वो बता रहे थे कि ये बाल विवाह क्या था कि जब एक पुरुष को पता है कि हाँ भाई मेरी ये पत्नी है या पत्नी को पता ये भाई मेरा पति होने वाला है तो उनका जो मन है वो भटकने से बच जाता था इसलिए आप पहले समाज में ये बहुत ही कम देखिए केवल असुर वृत्ति के लोग में ही ये पाया जाता था बट एक सभ्य लोगों में कभी पाया जाए लेकिन आजकल आप देखोगे सभ्य लोग भी जो है वो अः इन सब चीजों में पड़ जा रहे हैं क्यों क्योंकि समाज में सही ज्ञान नहीं है और कोई इनको दिशा दिखाने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है इसलिए जी कहते थे कि समाज क्षत्रिय ना हो वैश्य ना हो शूद्र ना हो तो भी चला जाएगा कैसे भी जैसे आप अगर शरीर में हाथ नहीं हो पाव नहीं हो तो चल सकता है लेकिन अगर सिर नहीं हो तो कैसे चलेगा समाज तो ब्राह्मण वो सिर है और ब्राह्मण कौन है जिसको ज्ञान है जो वास्तव में जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो इसीलिए अगर आपके इस इर्द गिर्द कोई ब्राह्मण है जो वास्तव में ज्ञानवान है आप बड़े भाग्यशाली है वन इज नॉलेजेबल हु नोज वॉट इज वॉट तो ऐसे लोगों का कभी संग नहीं छोड़ना चाहिए कोई वगैरह ब्राह्मण है कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसको पता है सच्चाई क्या है तो इनका हमें संग नहीं छोड़ना चाहिए इनको क्योंकि कभी ना कभी काम आएंगे इनका एक नॉलेज जो इसलिए हम बोलते हैं ना एडवाइजरी अभी आप देखिए कि कंसल्टेंसी कंपनी होती है वो खाली कंसल्टेंसी करने कितना सारा पैसा ले लेती है क्यों क्योंकि ब्राह्मण क्लास के लोग हैं मतलब इंटेलिजेंट है उनको पता है सॉल्यूशन का जितना पैसा और जितना समय आपका इधर उधर भागने में जाएगा वो खाली एक ब्राह्मण के पास आप आधा घंटा बैठ जाओगे उस आधे घंटे में आपका समस्या सॉल्व कर देगा वो इतनी ताकत है उसके अंदर तो इन लोगों की दरकार है समाज में तो प्रोपा जी चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत में जो भक्त बने वो ये ब्राह्मण का रोल निभाए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक ब्राह्मण का कर्तव्य निभाए क्यों क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज में एक ब्राह्मण एक हजार लोग को पाल सकता है मतलब अपने ज्ञान से इसलिए आप अपने सोसाइटी में अपने समाज में आप सबका ऐसा रोल निभाना है क्योंकि आप भक्त हैं आप ज्ञानवान हैं और लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई ये भक्त है तो इसको तो पता होगा देखिए जब लोगों के जीवन में समस्या है कि वो आपके पास आएंगे हम क्या करें बताइए उस समय आपको उनको गीता शास्त्र गीता भागवतम से शास्त्र से समझाना होगा कि ऐसा करो ये करो ये सच है ये गलत है ये सही है तो ये जो चीजें हैं हम लोग को सीखना होगा जानना होगा और ये हमें आएगा एक्सपीरियंस के साथ भक्ति प्रैक्टिस करते करते परमात्मा की मदद से शास्त्र का अध्ययन करके ये सब हमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो इसीलिए क्या है आ, आ, आप सब जो है भक्त लोग हैं उनका बड़ा जिम्मेदारी है समाज में कि समाज को सही दिशा में लेके जाना और समाज को एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना तो इसलिए यहाँ व्यासदेव जो है नारदुनी कह रहे नारदुनी आप सर्व ज्ञाता हो इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ यस yes, अगला एक्स 6 सर्वै भवान वेद समस्त गुह्या मुपासीतो यत् पुरुष परावरेशो परावरेसो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्य गति गुणैर संगह पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी हां पढ़िए माता जी हे hey प्रभु जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है क्योंकि आप भौतिक जगत के शिष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं तात्पर्य जो व्यक्ति भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है वह भगवान के गुणों से भी हो जाता है। इस तरह अष्ट सिद्धियां उनके समक्ष पन जाती है नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्ष विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है श्रील नारद शत प्रतिशत पूर्ण जीव है यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है प्रभु जी ऊपर कीजिए हम्म हो तो गया तो नारद मुनि जो है यहाँ पर व्यास देव नारद में गुणगान कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं क्योंकि आपने उन पुरुषोत्तम की पूजा बहुत अच्छे प्रकार से की है इसीलिए आप मेरे सारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति में लगा है उसके अंदर सारे गुण अपने आप समा जाते हैं ये इस बात को भागवत में बहुत अच्छे से बताया गया है कि यशिया भक्तिर भगवत याकिंचना सर्व गुण समास भक्तिर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है भगवती अकिंचना भक्ति बिना कोई अल्टीरियर मोटिव और इच्छा के अन्य इच्छाओं के अन्य भ्रस्ता शून्य सर्व गुण समास व्यक्ति के अंदर सभी सुरो सुर मतलब देवता समासते सुरा सभी देवताओं के गुण उसके अंदर आ जाएंगे अपने आप केवल भक्ति करने से ये तो भक्ति का सबसे बड़ा लाभ है जो लोग भक्ति करते हैं धीरे धीरे उनके अंदर सारे देवताओं के गुण देवताओं के मतलब डिवाइन क्वालिटीज अपने जो भगवान गीता में कहते हैं ना नावेष्ट सर्वभूताना मैत्र करुण निर्मु अहंकार ये सब जो भगवान बताते हैं गीता में ये सारे गुण अपने आप भक्ति के माध्यम से आ जाएंगे हाँ। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या आता है भागवत में लिखा गया हराओ अभक्त से कुतो महद गुना लेकिन कोई अभक्त है भगवान का और उसके अंदर संसार में अच्छे गुण देखने को मिल रहे हैं जैसे मान लीजिए जै कोई है तो बहुत सच बोलता है या बहुत सज्जन व्यक्ति है है हराव है। लेकिन वो है कुतो महत्व गुना तो क्या फायदा उसके गुण का मनोरथे ना सती धावतो बही क्योंकि वो अपने मन के रथ में बैठ के चल रहा है मैं आपको उदाहरण देता हूं कम जिसे था देवकी से वो इतना प्रेम करता था कि अपनी बहन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था लेकिन देखिए जैसे ही उसको अपने जीवन पर आन पड़ी तो अपनी बहन का ही गला काटने के लिए चल पड़ा यह है असुर है ना तो असुर जो होते हैं वो लोग भारी रूप से कितने ही अच्छे गुण क्यों ना देखने को मिले उनके अंदर लेकिन जैसे ही उनके जीवन में कुछ वो आएगा आप देखोगे वो एक दूसरे को मारने चल जाएंगे जैसे आप दो भाई देखो बड़े प्रेम से रहेंगे जिंदगी भर हाँ जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी पत्नी आएगी वो थोड़ा बहुत कान में भर देगी उसके प्रति लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है घर में हाँ क्यों क्योंकि कुतो महत्व गुना क्या फायदा उस गुण का तो इसलिए मटेरियल प्लेन पर भौतिक स्तर पे कोई भी गुण जो आप देखते हो लोगों में ठीक है वो अच्छी बातें लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए कह रहे देखो कितना हाल लेकिन जो भक्ति कर रहा है भले ही उसके अंदर अभी अच्छे गुण नहीं है लेकिन एक समय के बाद वो आ जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा अगर वो भक्ति तरीके से कर रहा है तो तो इसीलिए जो लोग भक्ति के पाथ में जुड़ गए हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है है ना तो, इसलिए नारद मुनि को कह रहे क्यों हे नारद मुनि क्योंकि आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हो तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम होंगे इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप किसी भक्त से मिलते हो लेकिन अब वो एक्सपर्ट नहीं है कोई चीज में बट स्टिल बिकॉज वो भक्ति कर रहा है उसके जवाब में और उसके आ, सानिध्य में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाने की दरकार नहीं है है ना तो कई बार लोग क्या भक्तों को बहुत कम आंक लेते हैं इनफैक्ट प्रपा जी कहते हैं कि भक्तों को अलग से कोई योग साधना करने की दरकार नहीं है कोई दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं उनके लिए दिव्य शक्ति प्रदान प्राप्त कर देते हैं है ना जैसे दुर्वासा मुनि वो एक महान योगी थे सन्यासी थे लेकिन जब उन्होंने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया एक बाल से राक्षस प्रकट करके तो अम्बरीश महाराज हालांकि गृहस्थ थे और एक राजा थे एक भक्त थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया केवल हाथ जोड़ करके भगवान को याद करने लगे और सुदर्शन चक्र अपने आप आकर के उसका उस असुर को मार दिया तो इसीलिए भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि अपने भक्तों की कैसे रक्षा करनी है उनको अलग से कुछ प्रयास करने की दरकार नहीं है भक्तों का एक ही गुण है क्या है शरणागति सरेंडर भगवान के प्रति शरणागति भगवान आप जो चाहें जैसा चाहें कीजिए हम आपके सरेंडर शरणागत रहेंगे तो इस ये गुण को हाईलाइट करें नारद मुनि के वो पहले बोले आप सर्व ज्ञानी है वापि वो तो है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण क्या है आप भगवान के शुद्ध भक्त हो इसीलिए आप मेरे मन की दशा को जान पाओगे और उसको आप ठीक कर पाओ, पाओगे बता पाओगे

कोई हरे प्रभु आप सूर्य के आ, माता जी आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचलित कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है अंत आपसे प्रार्थना है कि नियो निय, नियोजों तथा व्रतों का पालन कर करते हुए दिव्यता में लीन रह, रहने पर भी में जो कमी हो उसे खोज निकाले तात्पर्य दिव्य अनुभूति पुण्य कर्म देव पूजा दान 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 दया अहिंसा तथा कड़े अनुशासन नियमों के साथ साथ

निर, निर्मल महिमा का प्रसारण किया है जो दर्श शास्त्र नहीं किया प्रसाद नहीं किया जो जो दर्श शास्त्र परमेश्वर की दिव्य दिव्य इंद्रियों को तुष्टि नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझ सकता समझ जाता है तात्पर्य समझा जाता है समझा जाता है हाँ, तात्पर्य परमात्मा परमात्मा के साथ व्यक्ति का जीवन का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है भगवान के भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है उन्हें कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसलिए भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सके hmm. वेद वेद वेदव्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए हैं जिसका अंत वेदांत षडर्श में दर्शन है होता है किंतु इनमें इनमें से किसी किसी में भी भगवान की महिमा मह, का प्रत्यक्ष गान नहीं हु, हु, हुआ था शुष्क शुष्क दर्शनी चिन्ह चिन्हन चिन, ब्रह्म जैसे दिव्य ब्रह्म जैसे चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषयों के संबंधित से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना आकर्षण नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है भगवान अंतिम शब्द है निराकार ब्रह्म या अंतयामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति तथा दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जिनकी जितनी की उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है वेदांत के रची रचियता रची हो, होते हुए भी वे विचलित है अंत अंत एवं उसे वे, वेदांत के पाठ तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिन जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यास देव ने की नहीं है नहीं की ही की ही नहीं यही पर आवश्यकता प्रतीत प्रतीत हुई है रचनात्मक वेदांत सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे हाँ करेक्ट एक बार आ, वो दिखाइए हाँ। तो नार ने कहा वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया जो दर्शन यानी जो शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है तो आप कोई भी विषय वस्तु पकड़ लीजिए जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान का गुणगान नहीं करेंगे उनके दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे हम जो है अपने मन को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत जरूरी है इवन uh, हम भक्ति के मार्ग में भी जो है कई बार हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भागवतम या शास्त्र नहीं पढ़ पाते भगवान लीलाओं को नहीं सुन पाते हैं तो बहुत बोर हो जाता है एकदम ड्राई लगने लगता है ना ये सबका अनुभव है कि अगर आप कुछ दिन तक मंदिर नहीं आओ अगर आप कुछ दिन तक भक्तों से नहीं मिलो कुछ भगवान चर्चा ना हो तो बहुत ड्राई लगता है वहीं अगर हम लोग का भगवान के चर्चा होती है भक्तों से मिलन होता है तो बड़ा आनंद होता है बड़ा अच्छा लगता है तो इसीलिए क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब जब साथ में आए तो हम भगवान की चर्चा करें मत चित्ता मतगत प्राणा बोधे परस्परम कथ अंत तुष्यंति चरमंति चा ये बात हम जानते हैं जानते फिर भी लेकिन हम क्या करें माया का ऐसा प्रभाव है कि हम इसका लाभ नहीं उठाते प्रपा जी बोलते थे कि मेरा एक ही मेरा दुख है कि मेरे भक्त लोग जो है मेरी किताबों को पढ़ते नहीं है मैंने इतना मेहनत करके सभी ग्रंथों को लिखा बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड माई बुक्स वो लोग जो है मेरी किताबों को नहीं पढ़ते हैं और प्रभा जी तो एक बार बोल भी जैसा कि योर माइंड इज रेस्टलेस बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग माई बुक्स आपका मन विचलित है क्योंकि तुम मेरे किताबों को नहीं पढ़ रहे हो तो इसीलिए क्या है ये बहुत जरूरी है कि हम सब जी की किताबों को पढ़ें अच्छे से और कुछ न कुछ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट में हम लोग रहें अगर ऐसा नहीं होगा तो माया का प्रभाव बहुत तेज है हम 24 घंटा में कितना घंटा कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं। बाकी हम 20-22, घंटा जो है माया की सेवा में लगे रहते हैं तो जो है माया इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाली नहीं है ये मत सोचिए कि वो चौबीस घंटा वो थकती नहीं है हम थक जाते हैं भक्ति कर करके लेकिन माया थकती नहीं है ये उसका प्रभाव है तो इसीलिए क्या है कि आ, हमको बार बार ये टॉनिक लेना पड़ेगा बार बार इसलिए हम अक्सर कहते हैं लोगों से कि आपको हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर आना चाहिए भक्तों से मिलना चाहिए प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए जरूर अगर आप सोच रहे कि नहीं हम घर बैठे बैठे केवल भक्ति कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है तो बड़े हम बड़े इल्यूजन में है बहुत मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे क्योंकि मंदिर का माहौल भक्तों का मिलना देखना उनको उनसे श्रवण करना कृष्ण कथा सुनना ये सब हमारा पोषण है ये सब हमारा हमारा हम हमारी जो हमें जो बीमारी अविद्या विद्या की उसको दूर करने की दवाई है है ना तो ये बहुत जरूरी है या ना तो इसीलिए देव इतने महान रचेता होते भी सोचिए व्यास देव जैसा कोई महान क्या बोलेंगे आप साहित्यकार नहीं हो सकता इतने श्लोक उन्होंने लिखे हैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता चार वेद अठारह पुराण एक सौ आठ उपनिषद महाभारत सब लिखने के बाद भी असंतुष्ट है जस्ट इमेजिन और क्यों क्योंकि आपने पूर्ण रूप से भगवान गुणगान नहीं किया तो ये नारद ने स्ट्रेट अवे बोल दे रहे हैं व्यास देखो तुमने, तुमने क्या तुमने किया इतना सब लिखा लेकिन सब बेकार है बस पूरा बेकार नहीं बोले लेकिन तो उसका वैल्यू नहीं है उतना सोचिए इतना मेहनत करने के बाद गुरु है ना इसलिए गुरु डायरेक्ट हमारा दोस्त निकाल सकते हैं कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो इसलिए तुमको असंतुष्ट महसूस हो रहा है है ना चलिए आगे पढ़ते देखते हैं फिर क्या बोली नाइन यथा धर्मादयिवरियार्ति न तथा वासुदेवस्य महिमा या पढ़िए अरे कृष्णा प्रभु जी हाँ पढ़िए प्रभु जी हे महामुनि यद्यपि आपने धार्मिक इत्यादि चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है नहीं किया है तात्पर्य श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है व्यासदेव के प्रसाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की, वर्ण की उपेक्षा करना थी यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है ये चारों भगवान की भक्ति की भक्ति तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रमाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस संतर को भली बहती जानते थे फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे इससे स्पष्ट इस संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता भगवत गीता में इस तत्व का उल्लेख स्पष्ट उल्लेख हुआ है धर्म यादी पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करने करके प्रगति करनी चाहिए इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है भगवत गीता में भगवान का ही उपदेश है निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात, मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया है कि वे भक्तिमय का उत्सुत उस, पूर्वक बारंबार वर्णन करें इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा हरे कृष्ण हम तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि आ, आपने चार पुरुषार्थों का तो वर्णन किया है किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया तो इसका कारण यह है कि नारद मुनि जो है जो व्यासदेव है उन्होंने ये सोचा कि जब मैं ग्रंथों के माध्यम से शास्त्रों के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे जो है धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाऊंगा धर्म अर्थ काम मोक्ष लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कलियुग के प्राणी जो है ये लोग जो है काम में फंस जाएंगे देखिए ये काम जो है ना इंद्र तृप्ति इतना बलवान होता है कि इसका भोग छोड़ना बहुत मुश्किल है यद्यपि काम वास्ता से बड़ी तकलीफ आती है लोगों को लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते उसको <laughs> और कलयुग में तो लोग धर्म के बिना ही अर्थ कमाएंगे पाप वृत्ति से अर्थ कमाएंगे और फिर अपनी काम वास्तव को पूर्ण करेंगे तो जो काम बिना धर्म के कमाए हुए अर्थ से किया जाता है वो कभी संतुष्टि नहीं देगा और वो कभी मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ाएगा इसलिए आप देखिए वैदिक काल में जब लोग धर्म करके अर्थ को कमाते थे और अपनी जब इंद्र तृप्ति करते थे तो, तो उनमें एक स्वाभाविक डिटैचमेंट आता था धर्म से कमाया व अर्थ आपको वैराग्य को लेके जाएगा वो आपको रिलाइजेशन देगा समय के साथ लेकिन अधर्म से कमाया हुआ अर्थ जो है वो आपको कभी संतुष्टि नहीं, दे, नहीं देगा कभी कभी आपको साक्षात्कार नहीं देगा इसलिए आज लोग वानाप्रस्त नहीं बन रहे इसलिए आज लोग घर नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि समाह उदर्क उसमें कुछ अधर्म मिला हुआ है धार्मिक कार्य कर नहीं रहे हैं देवताओं को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो इंद्र तृप्ति करने पर भी संतुष्टि नहीं हो रही है और उसकी जो ललाशा है वो और बढ़ते जा रही है तो इवन उम्र में आप अभी आपको हैरानी होगी जानकर के कि अभी लोग पचपन साठ साल की उम्र में दूसरी शादी कर रहे हैं वही यंग लड़कियों के साथ इक्कीस बाईस साल की लड़कियों शादी कर रहे हैं पचपन साठ साल के लोग बताइए उनके पोत बेटों की शादी होने का पोतों की शादी होने का सब उम्र आता है तो ये लोग शादी करने जा रहे हैं हाँ प्रपा जी बताते थे कि आ, विदेश में उन्होंने देखा कई बूढ़े लोग जो हैं पचपन साठ की उम्र में जाके गोल्फ खेल रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं कार्ड्स खेल रहे हैं कैसीनो में जा रहे हैं ये सब फालतू तो चीजों में लगे हुए हैं हा? तो क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि इन की की इच्छा इच्छा नहीं गई है 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 मन जो है, वो अभी भी भोगने की इच्छा है। लगता शायद हमने अच्छे से नहीं भोगा इसलिए कुछ और तर, दूसरा तरीके से भोगने का प्रयास करते हैं तो इसलिए ये काम वास्तव के चक्कर में फंस गए लोग जाके तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे तो आप नारे आगे जाकर बोले तुम डायरेक्ट लोगों को टीचिंग दो ये सब जो फालतू चीज छोड़ो धर्मत, तुम डायरेक्ट कृष्ण गुना और बहुत सुंदर श्लोक अभी आएंगे बताएंगे वो है है ना तो यहां पर एक बात जानने के कि हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं करोगे भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र संसार से विरक्ति नहीं आएगी क्यों क्योंकि आपको हायर टेस्ट चाहिए जब तक आपको ऊंचा स्वाद नहीं मिलेगा आप निचला वाला नहीं छोड़ पाओगे ये संभव नहीं है तो ये ऊंचा स्वाद क्या चीज का है ये है शुद्ध भक्ति का स्वाद तो ये स्वाद हम सबको चखने का हम सबको बहुत जरूरी है इन आर्मी बोल रहे कि तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते गए और बीच में थोड़ा थोड़ा पांच टाइम तुमने लगा दिया कृष्ण का इसलिए देखिए महाभारत भी जब व्यास ने एक्सप्लेन किया तो महाभारत मुख्य किरदार पांडव है कृष्ण नहीं है हालांकि कृष्ण की लीला बताई गई है देखिए जब आप महाभारत में कृष्ण लीला पढ़ोगे और आप भागवतम में कृष्ण पढ़ोगे तो दोनों में बहुत अंतर है महाभारत में कृष्ण को एक पांडव का वो बताया गया कुछ कुछ जहां की दिव्यता को दिखाया जाता है लेकिन कृष्ण को पूर्ण रूप से हाइलेक्ट नहीं किया गया परम भगवान के रूप में अब आप भागवतम पढ़िए अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट हेंडो में तो वहां पर जब महाभारत का पाठ आएगा तो कृष्ण परम भगवान के रूप में आपको दिखेंगे सामने जैसे भीष्मीति में दिखते हैं परीक्षित महाराज के पाष्ट्र में दिखते हैं तो प्योर ग्लोरिफिकेशन है कृष्ण का इसीलिए भागवतम जो है वो संतुष्टि का मार्ग है और अन्य ग्रंथ जो है वो को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ठीक है आगे पढ़ते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ पूछे माता जी हाँ प्रभु जी महाभारत में तो भगवत गीता में तो वो भगवान श्री कृष्ण बताया ना यस तो जब गीता को महाभारत में रखा गया तो व्यासदेव का इंटेंशन था कि लोग गीता पढ़ के जान जाएंगे कि यार कृष्ण परम भगवान है लेकिन नहीं उससे भी फर्क नहीं पड़ा लोगों को अगर आप महाभारत पढ़ोगे ना ये तो चलिए अभी हम लोग गीता अलग से हम पढ़ चुके हैं और हम प्रभुपा जी को सुन चुके हैं तो हम भक्त लोग कन्विंस है तब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं लेकिन किसी उस व्यक्ति से पूछे जो पहले महाभारत पढ़ के आया है बड़ा मुश्किल है उसके लिए ये जानना कंफ्यूज जाएगा वो है ना तो उनका लक्ष्य था लेकिन इसीलिए तो गीता जो है वो श्रुति और स्मृति दोनों है वो श्रुति क्यों है क्योंकि भगवान के मुख से कहा गया और स्मृति इसलिए है क्योंकि वो महाभारत का एक पार्ट है तो इसलिए प्रप्पा जी ने गीता को अलग से प्रस्तुत किया भगवत गीता अलग से क्यों क्योंकि वहां पर कोई गीता स्पेसिफिकली पढ़ता है तो वो परम भगवान की समझ सकता है लेकिन अगर वो महाभारत के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेगा तो क्या समझेगा खाली एक डायलॉग है वो समझेगा कि हाँ चलो ये कृष्ण अर्जुन को जो है इंस्पायर करने के लिए भगवान जो है ये सब बोल रहे हैं और कर रहे हैं क्योंकि वो उस मूड में नहीं है कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करने के लिए आप समझ रहे हैं तो महाभारत क्योंकि उसको युद्ध देखना है युद्ध करना है जैसे मान लीजिए अभी आप कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म के बीच में जस्ट क्लाइमेक्स सीन आने वाला उसके पहले कुछ ज्ञान आता है उपदेश तो जल्दी हम स्किप कर देंगे उसको या हम लोग जो है वी विल नॉट पे मच अटेंशन टू इट क्योंकि अरे हमारा उद्देश्य क्या हमको भी युद्ध देखना है हमको क्लाइमैक्स देखना है हीरो हीरोइन मिले कि नहीं मिले किसका बंटवारा क्या हुआ तो वो मूड में रखा गया तो उन्होंने ड्रामा ठीक सेट किया था ब्याज देर में लेकिन उसका जो फुल रिजल्ट नहीं आ पाया बट भागवतम ऐसा नहीं है भागवतम स्टार्टिंग अंत मिडिल सब जगह आपको एक ही चीज थीम मिलेगा कृष्ण परम भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं इसलिए महावाक्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं Okay. ये बात जानना बहुत जरूरी है बट महाभारत में ये थीम नहीं है कृष्णस तो भगवान स्वयं महाभारत में थीम क्या है पांडवस का विजय धर्म नीति धर्म नीति को ज्यादा महत्व तो दिया गया नीति को ज्यादा बताया जाता है बट भागवत में नहीं है भागवत में नीति को भले आप वो कर देंगे नीति जो समझ लिया मोरालिटी मोरलिटी टू कृष्णास प्लेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर कभी क्लास ले है सकते हैं हम लोग मोरालिटी वर्सेस ट्रांसजेंडल मोरालिटी तो महाभारत में मोरालिटी को ऊपर रखा जाता है कि नीति क्या बोलती है धर्म क्या बोलता है जैसे आप देखिए बीष्म पढ़ोगे महाभारत में तो पूरा नीति बताया गया है स्त्री धर्म क्या है कुल धर्म क्या है राज धर्म क्या है शत्रु धर्म क्या है ये सब बताया जाएगा और वही विष्व शुति आप पढ़िए भागवतम में क्या है फुल डिवोशनल सर्विस है शुद्ध भक्ति है तो इसीलिए कोई भी, भी कॉन्टेक्स्ट हो लाइक आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं वृत्रासुर का एग्जांपल आप देखिए वृत्रासुर को बाकी सारे शास्त्रों में असुर करके प्रेजेंट किया गया है एक बड़ा सुर और आप भागवतम खोलिए शुद्ध भक्त बताया गया उसको हुँ, हुँ. ये डिफरेंस है तो इसीलिए कोई कॉन्टेक्स्ट है कोई एक चीज है अगर आप उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आप ऑडियंस क्या कन्फ्यूजन ला रही है इसीलिए जो प्रचारक होते हैं उनको बड़ा सावधान होना चाहिए कि वो कैसे समझा रहे हैं है ना जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बार बार बोलता रहेगा यू आर फूल्स फूल्स एंड एंड रास्कल रास्कल जी जैसे बोलते थे तो जब प्रहुपा जी जब बोल रहे हैं वो एक अलग चेतना में बोल रहे हैं हम अगर उसको इमिटेट करेंगे तो हमारा लोग गलत बुरा मान जाएंगे वी कैन नॉट इमिटेट तो प्रोपाजी बोले लोग भक्त बन रहे हैं प्रोपा जी उनपे गाली दे रहे हैं लोग भक्त बन रहे क्योंकि प्रोपा जी कितना करुणा है कंपैशन है वो स्थिति वैसी है लेकिन हम लोग जो यहाँ पर अपने ज्यादा बड़े बन के बोलेंगे तो लोगो अपमान मान लेंगे ऑफेंड हो जाएंगे तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट में चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है ये बहुत जरूरी है। है माता जी? जी जी. एक और श्लोक पढ़ते कुछ, कुछ नी तो बहुत बढ़िया श्लोक आ गया है बट इसपे हम चर्चा चलो जितना हो करेंगे बाकी बाद में करेंगे एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे न यदचित्र पदम हरे जगत पवित्रम प्रग्रहीत करहि चेत तद्वाय संतीर्तमु संतिमानस नयत्रहं सानिरमंती उतिक्षया ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आप सबको याद करना चाहिए 1.5.10 नारद मुनि का और ये श्लोक शिला प्रभुपाद जी का प्रेडिक्शन है शिला प्रभुपाद जी की महानता के बारे में इस श्लोक बताता है हम एक दो पैराग्राफ चर्चा करेंगे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे फिर देखते हैं तो नेक्स्ट पढ़ेंगे यस पढ़िए अच्छा पढ़िए प्रभु जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कौन के स्थान, आ, स्थान के समान मानते हैं क्योंकि पुरुष लो, आ, लो के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता आ, एक बार हम लोग रुके एक रुके जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान मतलब भगवान की महिमा जो है वो इतनी पावरफुल होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को शुद्ध कर देगी वो जहाँ भगवत कथा हो रही है कथा हो, हो रही है का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कव्व के स्थान के समान मानते हैं तो जितने भी दुनिया में बातचीत हो रही है यूट्यूब हो चाहे नेटफ्लिक्स हो वेब सीरीज हो जो भी हो जहां भगवान गुणगान नहीं है वो कव्व का स्थान है मतलब कूड़ा करकट कचड़ा है वो और परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं तो परमहंस पुरुष जो है वो उस स्थान पे कोई आनंद नहीं लेते हैं पड़ी तात्पर्य तात्पर्य कीजिए थोड़ा हाँ और कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृतियों के कारण एक से नहीं होते सकाम कर्मे या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौन से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है कौम को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है स्क्रॉल प्लीज डंग जिस प्रकार जिस प्रकार की जिस प्रकार के कामे सकाम कर्मियों को सोरा सुंदर तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय होते लगते हैं हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौ काव का कौवे काव, काव, काव करने और मिल मेल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के, नान, के कमलों के के नाल सुशोभित रहते हैं। इस दो प्रकार के पक्षों में यह अंतर है तो, yes, yes, तो कौवा और हंस में अंतर होता है आप देखिए कौवे लोग उसी स्थान पर जाके बैठेंगे जा गंदा कचड़ा पड़ा रहेगा कोई मांस बड़ा रहेगा और जाके वहां बैठेंगे काव का करते रहेंगे आप देखिए इसलिए अभी देखिए मुंबई जैसे शहर में आपको बहुत कौवे दिखेंगे आजकल शहरों में दो तीन जानवर बहुत ज्यादा दिखते हैं एक है कौवा एक है कुत्ते और एक सुअर पिग्स तो क्यों क्योंकि ये सब गंदा चीज खाने वाले है और इतनी गंदगी है तो आपको आजकल अच्छी अच्छे पक्षी नहीं बहुत कम दिखेंगे आपको मुंबई में अभी नवी मुंबई में खासकर थोड़ा बहुत पेड़ पौधा है थोड़ा बहुत दिखते हैं अभी हमारे यहाँ इस्कॉन में गार्डन में कुछ हंस आते हैं कल मैंने देखा पूरा एक हंसों का समूह पूरा व्हाइट उड़ते हुए बहुत सुंदर दृश्य था तो लाइव मैंने पहली बार देखा है सब एक साथ उड़ते हुए झुंड को क्योंकि यहाँ गार्डन है बढ़िया सुंदर तो इसलिए लोग आते हैं वो ऐसे पक्ष आते हैं बट इन जनरल आप देखोगे कौवे आपको दिखेंगे तो इसका मतलब क्या आप जी आगे बताएंगे रेफ्यूज रेमनेट्स तो इसी प्रकार आप कोई भी एक ग्रुप में चल जाइए जैसे अगर हमारे कोई कंपनी में आप काम करते हैं और वहां जाइए दो ही चीज की बात होगी कैसे धन कमाए जाए और स्त्री के चर्चा होगी आप किसी भी ऐसे मतलब कॉलेज ग्रुप में या कहीं भी हमने देखा है लोगों में फालतू की बातें केवल इसमें कोई तर्क नहीं है जिसका कोई लाभ नहीं है ऐसे फालतू की बातों में जो है वो लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं कौआ की तरह काव का, का करते, करते जो है तो प्रपा जी कहते थे इट्स लाइक मेंढक तुलना किया गया बताते हैं भागुतम में, टर, टर, टर करते रहता है, है, है? है।, है कहाँ से मेढक ट टर, टर कर रहा है उसी प्रकार ये मूर्ख लोग फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते थे और मृत्यु रूपी सर पा इनको ढस लेगा पूरी तरह से पूरी तरह से निकल लेता है इन लोग को है ना तो चॉइस हमारे पास है हमें कौवा बनना है कि हमें हंस बनना है है ना तो अगर आप कृष्ण की चर्चा करते हैं तो आप हंसों के समूह में आ जाते हो और अगर आप आ, गंदी बातें करते हैं हम लोग तो हम लोग जो है वो कौवे के समूह में हम लोग आ जाते हैं तो हमारे पर चॉइस है हम कि हमें क्या बनना है तो मनुष्य जीवन बहुत शॉर्ट है और बहुत दुर्लभ है तो वीर टू यूटिलाइज हमें सही तरीके से इसका पालन यूटिलाईज करना पड़ेगा नहीं तो समय चला जाएगा एक एक समय हमारा पार हो जा रहा है ऐसी फालतू की बातों में इसलिए प्रयास करें अवॉइड करने के लिए जहां पर नहीं है अभी देखिए लोग हैं घरों में कई बार देखा है माताओं को भी कि फालतू में कॉल करके जो है फोन लगा लेंगे मायके या कहीं पर एक घंटा चल रहा है क्या बनाए सुबह खाना में दोपहर में क्या बनाए शाम को क्या बनाए अरे तुमको क्या मतलब क्या बनाए थोड़ी तुम तुम खा लोगे जा करके कोई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और हर एक चीज आज बाई आई कि नहीं आई यही फालतू की बातों में टाइम वेस्ट पहले चलो मोबाइल में जो था पैसा लगता था तो लोग सोचते थे मुझे याद है एक समय जब टेलीफोन में एक मिनट का एक रुपया ऐसा लगता था तो देखते थे जैसे एक मिनट खत्म हो रहा है फटाक से रखते थे आजकल अनलिमिटेड कॉल्स हो गया वॉइस कॉल्स अनलिमिटेड कॉल्स है ऊपर से व्हाट्सएप कॉल है फ्री कॉल है तो अनलिमिटेड बात चलती जा रही है फालतू की बातों में कितना समय बर्बाद और कितना चेतना बर्बाद होता है उसमें है ना तो इसीलिए क्या है हमें से बचना चाहिए भक्तों को बचना चाहिए हमारे पास बहुत कुछ कार्य करना है हम लोग को बहुत सारी सेवाएं करनी है हमारे जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है भक्ति में तो वी हैव टू वर्क ऑन इट हमें इस पे काम करके इसको धीरे धीरे सुधारना है और हमें कौवा नहीं बनना है कि दूसरी बात और है कि आप देखोगे कि हर प्रकार के लोग हैं जैसे कई बार मंदिर में देखते हैं कि कहीं पर कहीं अच्छी कथा बात चल रही है तो लोग वहां जाते हैं और कुछ लोग जो है कहीं पर क्रिटिसिज्म चल रहा है अगर किसी भक्ति बुराई चल रही है तो वहां बढ़िया से कान खड़े होकर पहुंच जाते हैं वहां अपने आप कुछ भक्त तो ऐसे हैं जिनको तुरंत मतलब सोकल डिवोटीज है जहां बुराई चल रही है वो तुरंत जाके पहुंच जाएंगे वहां पर क्या बोला क्या बोला क्या बोला इसके बारे में क्या बोला तो ये अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग कोई कलयुग के प्राणी हम लोग इसीलिए तो हमारे ऊपर चॉइस है कि हमें कौवा बनना है या हंस बनना है इस पे और चर्चा करेंगे आगे ये बहुत सुंदर तात्पर्य है आप लोग पढ़ सकते हो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये ये और नेक्स्ट श्लोक तो इसको हम पढ़ के आप आएंगे तो अगले सप्ताह हम फिर चर्चा करेंगे ठीक है तो हम यहीं पर विराम दे रहे हैं किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं अभी हरे कृष्णा बोलिए बोलिए प्रभु जी सूर्य जी और सनकादे के ऋषि के बारे में थोड़ा सा बताइए ना हाँ, कौन है सूत गोस्वामी जो थे सुखदेव गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल थे सूत गोस्वामी ने जब सुखदेव गोस्वामी परिषद महाराज को कथा बता रहे थे सुख पे तो उन्होंने लाइव इस कथा को सुना था भागवत को और वो रोम हरसन सूत के पुत्र हैं सूत गोस्वामी तो जब ये अठासी हजार ऋषिगण नैमी में एकत्रित हुए थे सोना का दीशरी कल में जीवों का उद्धार करने के लिए एक हजार साल का तपस्या करने के लिए लोग बैठे थे तो लेकिन इनको समझ में आया कि तपस्या ये यज्ञ सॉरी यज्ञ करने बैठे थे कि इस युग में यज्ञ से कुछ नहीं होने वाला है केवल हम लोग को जो है अग्नि से वो धुआं खाना पड़ेगा और चेहरा काला होगा तो इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी को लीडर बनाया और उनसे कहा कि आप पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए बताइए क्या उपयुक्त है तो छह प्रश्न पूछे थे जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे और वो छह प्रश्न का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी पूरी भागवत कथा बता देते हैं जो गोस्वामी से सुनी थी यही है आ, उनके संक्षिप्त में जो उनका वर्णन बताया गया है और सोनक जो है वो सभी लीडरों को सभी जो अठासी हजार ऋषि है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीडर है वो 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 प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी उनके तरफ सबसे तरफ से और सूत गोस्वामी रिप्लाई कर रहे हैं आंसर दे रहे हैं ठीक yes, बेद हाँ। है हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी यस प्रभु जी अचिंत क्या है हाँ तो अचिंत भेद बे तत्व क्या है अभेद तो जैसे पहले जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने कहा एक्चुअली पहले बुद्ध आए बुद्ध ने क्या कहा वॉयडिज्म कुछ निर्वाण सब कुछ शून्य है फिर शंकराचार्य उन्होंने कहा नहीं सब कुछ ब्राह्मण है सब कुछ भगवान है जीव भी भगवान है ये बोतल भगवान है ये जो कुर्सी भगवान है सब कुछ भगवान है फिर रामाचार्य जी आए उन्होंने कहा नहीं भगवान और जीव अलग अलग है द्वैतवाद हाँ, तो पहले निर्विशेषवाद मान शून्यवाद फिर एकत्व मोनिज्म एक फिर दो द्वैतवाद कि जीव अलग है और भगवान अलग है लेकिन ये सब में कुछ ना कुछ एनोमलीज थी सब में कुछ ना कुछ इसको समझाना मुश्किल था चैतन्य महाप्रु जो फिलॉसफी दिया उसको बोलते हैं भेद अभेद साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस जीव और भगवान एक भी है और अलग भी है एक कैसे है क्वालिटीज में जैसे भगवान सच्चिदानंद है हम भी सच्चिदानंद है तो ये हो गया एकत्व हम भगवान के साथ क्वालिटी में समान है जैसे एक समुद्र में और एक ग्लास जल में दोनों एच टू ओ है दोनों क्वालिटी में सेम है बट क्वांटिटी में हम अनु है भगवान विभू हैं भगवान महान है हम बहुत तुच्छ है स्मॉल है हम लोग तो जैसे एक ग्लास पानी कितना तीन सौ दो सौ तीन सौ एम एल होगा बट समुद्र कई करोड़ लीटर पानी है तो ये अंतर है तो ये भेद अभेद भेद भी है और अभेद भी है लेकिन ये अचिंत्य है अचिंत्य मतलब इनकनसीबल आप इसको समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से इनकनसीबल भेद अभेद तो ये कंप्लीट फिलोसॉफी है इस फिलोसॉफी से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं सारे चीजों को जो है हम समझ सकते हैं कि क्यों है बाकी फिलोसॉफी से समझना बहुत मुश्किल है सभी जो जो भगवान को संबंधित में ही है इसके विषय में बहुत लंबा बोला सकते बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जी की पढ़ोगे खास करके टीचिंग जब पढ़ोगे तो जी बहुत सुंदर समझाते हैं उसमें चैतन्य महाप्र की शिक्षाएं जो बताते हैं वो उसमें वो बताया गया अचिंत्य भेदाव भे तत्व ये सबको पता होना चाहिए जो भी हम गौर वैष्णव लोग हैं हमको हमारा तत्व पता होना चाहिए हमारा फिलोसॉफी है गौर वैष्णविज्म का अचिंत्य भेदावे तत्व ये पता होना चाहिए हमको इसके बारे में ठीक है मैं संक्षेप में बताया एकदम हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ बोलिए माता जी हाँ, अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें सापेक्ष संसार।, संसार तो इसका अर्थ क्या समझ में नहीं आया सापेक्ष सापेक्ष संसार तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब है वैरायटीज तो सापेक्ष माता जी पूरा लाइन पढ़ेंगे कहाँ पर पढ़े आप कौन सा पर्पोर्ट में पढ़े आप हम अभी पढ़ रहे थे उसमें आया था एक लाइन हाँ तो पूरा लाइन पढ़ेंगे किस कॉन्टेक्स में प्रोपा जी के हैं वो मुझे जानना है वो लाइन पढ़िए आप जहाँ पर लिखा हुआ है ये कुछ तो, तो उसमें अभी पूरा वो ध्यान नहीं है वो पूरा तो फिर तो आप पर्सनली पूछेगा ढूंढ के मुझे बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है हाँ 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 ठीक है तब मैं बताऊंगा आपको क्योंकि क्या है कई बार कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं जो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कहाँ पर कैसे कह रहे है? मैं कुछ बोल दूंगा फिर हाँ। पता चला वो गलत है है तो जाएगा हाँ, जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण ठीक सो सो थैंक यू मच आपकी जानकारी के लिए आने वाले बाईस तारीख को नित्यानंद तयदशी है नित्यानंद प्रभु का आयुर्भा दिवस है और परसों से शायद हाँ सोलह सत्रह से शायद हमारा कथा शुरू हो रहा है नित्यानंद प्रभु के ऊपर हर दिन शाम को साढ़े सात से नौ रहेगा बहुत सुंदर सुंदर पास्ट टाइम भगवान के बताए जाएंगे कथा आ रही है फेस्टिवल का समय आ रहा है फिर गौर पूर्णिमा आएगी फिर गुड़ी पर्व आएगा तो ऐसे करके अब फिर से उत्सव का दिन आ रहा है तो तैयार हो जाइए बढ़िया से सेवा करेंगे थैंक यू हरे कृष्णा शिला प्रभु